चुनाव में नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है, अपनी पिच पर विरोधी को कैसे बुलाया जाता है और किस तरह विपक्ष की एक चूक को गेम चेंजर बनाया जाता है। बीते एक दशक में कई बार नरेंद्र मोदी ये करिश्मा कर चुके हैं। 2001 से आज तक जब भी चुनाव लड़ा, न तो खुद हारे न पार्टी को हारने दिया। और अब मोदी अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा दे रहे हैं। विपक्ष के कई लोग नरेंद्र मोदी की गारंटी को 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के फील गुड से भी जोड़ रहे हैं, जब तमाम सर्वे बीजेपी की सरकार बना रहे थे, लेकिन हुआ उल्टा। तो क्या इस बार भी बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है या वाकई जलवा कायम है? भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि 2014 और 2019 के बाद 2024 का चुनाव उनके लिए कठिन और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इसलिए भाजपा ने एक टारगेट तय किया, हर मतदान केंद्र पे अपने बूथ के जो कोऑर्डिनेटर थे, बूथ मैनेजमेंट करने वाले थे, उनको कहा गया कि हर मतदान केंद्र पे 370 वोट ज़्यादा डलवाना है। सुनामी या वेव तब नज़र आती है जब या तो किसी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल हो, जैसा आपको याद हो 2014 में हुआ, या फिर कोई जज्बाती मुद्दा हो जाए, जैसे 2019 में हुआ बालाकोट को लेकर, एयर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। इस समय ऐसा कोई जज्बाती मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसका मतलब यह है क्या कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। वैसे तो चुनावों का अंतिम सत्य जो है नतीजे होते हैं कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल नहीं दिखाई देता कि मोदी सरकार रिपीट नहीं हो रही या हैट्रिक नहीं बनाने जा रही। अब यहाँ एक बार फिर नरेंद्र मोदी की चुनावी कैंपेन पर नजर डालते हैं, क्योंकि मोदी के कॉन्फिडेंस की कुंजी वहीं छिपी है। नरेंद्र मोदी के थर्ड टर्म को विपक्ष संविधान के खात्मे के तौर पर देख रहा है, लेकिन मोदी अपने अतीत से विपक्ष की स्ट्रेटजी को फेल करने में जुटे हैं। ये जो संविधान है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है, इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया, उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा, यही इनका लक्ष्य है। जरा कान खोल कर सुन लो, ये मोदी संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है, मेरी सरकार चलाने के लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। और तुम्हें तो मालूम नहीं है, जब भारत के संविधान को 60 साल हुए, इस देश में अकेला मैं मुख्यमंत्री था, अकेला गुजरात का मुख्यमंत्री था जिसने संविधान के 60 साल का उत्सव मनाया था। विपक्ष के अटैक और मोदी के डिफेंस में एक और बहुत बड़ा अंतर है। इंडिया गठबंधन 2024 में जीत का दम भर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी 2047 की बात कर रहे हैं, मतलब विपक्ष के विजन और मिशन से कहीं आगे की बात मोदी कर रहे हैं। जिन्होंने दशकों भारत की राजनीति देखी है, समझी है, हम उनसे समझना चाह रहे थे कि आखिर नरेंद्र मोदी का प्लान 2047 क्या 2024 में काम करेगा? अभी से अगले 23 सालों तक अपराजेय रहने की भावना का संचार कैसे हो रहा है? मोदी को ये यकीन क्यों है? वेव दिखाई दे, सुनामी है या नहीं है, ये अंडर करंट है, ये तो चुनाव नतीजों से पता चलेगा कि जो मौजूदा सरकार है, एनडीए सरकार है, वो 400 पार करती है या नहीं करती है, 300 पार करती है या नहीं करती है, 272 भी पार करती है कि नहीं करती। फिलहाल ऐसी संभावना नहीं लगती, फिलहाल ऐसी संभावना नहीं लगती कि मोदी सरकार हैट्रिक नहीं बनाएगी। अब वो कितना पार करेगी, और 400 पार का नारा जो उनका साइकोलॉजिकल ट्रैप है नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, वही है कि हम सब लोग उसमें फंसे हुए हैं। 400 पार होना महत्वपूर्ण है ही नहीं, सरकार बनाने के लिए 272 पार होना जरूरी है, और वहाँ पर मुझे
फिलहाल कोई बाधा नहीं दिखती। जिसकी भी सरकार बनेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, जिसकी भी सरकार बनेगी, मेरा अपना मानना है कि ये प्रचंड बहुमत लाकर ही ये सरकार बनेगी और काफी बड़े मार्जिन के साथ बनेगी। नरेंद्र मोदी के बाद अगर बीजेपी के मिशन 400 प्लस को लेकर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसी पर है तो वो नाम है अमित शाह। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले अमित शाह 400 पार की हुंकार भर रहे हैं और राहुल के राय बरेली जाने को चुनाव का परिणाम मान रहे हैं। क्या आज हालत हुई राहुल? पहले अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे, इस बार वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। भाइयों बहनों, मैं देश भर में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह जाता हूं, हर जगह से इसी प्रकार से मोदी 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 की आवाज कानों में गूंजती आ रही। देश की जनता तय कर बैठी है कि 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी को बहुमत। अभी तक दो चरणों में 190 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब नजर 7 मई पर है, जब 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। अभी तक जिस चुनाव को नीरस माना जा रहा था, अब थ्रिलर सस्पेंस पीक पकड़ रहा है।